हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप इस समय देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग चल रही है। मॉर्निंग टाइम है और खूब अच्छी सी धूप आ गई है। तो ये धूप अब विंटर वाली धूप है तो ख़राब नहीं लगती है। और इस समय आप देख सकते हैं रेन लिली ने फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। पिंक के बहुत अच्छे से फ्लावर खिले हैं। ये देखिए ढेर सारी ब्लूमिंग हुई है। तो अभी बीच में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये इधर येलो ने भी फ्लावर देना स्टार्ट कर दिया है। और वाइट में भी आप देख सकते हैं बर्ड्स आ गई हैं। तो रेन लिली इस समय खूब अच्छे से खिल रही है और ये खिलती रहती है। ये नवंबर तक खिलेगी, फिर नवंबर के बाद से ये ब्लूमिंग ख़त्म कर देगी। और इधर भी एक पॉट रखा है मैंने रेन लिली का, उसमें भी देखिए बहुत अच्छे से ब्लूमिंग आ रही है। तो पास से इसके फ्लावर आपको दिखा रही हूँ। तो इसके फ्लावर भी बिल्कुल पिंक के ही जैसे ही हैं, कलर बिल्कुल सेम है, लेकिन साइज़ थोड़ा सा छोटा है इसके फ्लावर का। तो ये मैंने हाल में ही अभी पॉट लगाया है इस रेन लिली का, तो इसके भी काफ़ी बल्ब बन जाएंगे। लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है, छोटे साइज़ की है। इसका साइज़ बिल्कुल सिर्फ कहते कि वाइट वाली रेन लिली के तरीके से है। तो आज मैं विंटर की तैयारी कर रही थी, कुछ सीडलिंग करने जा रही थी, तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो ये सारे मैंने देखिए सीड संभाल के रखे हुए हैं, बहुत सारे विंटर के प्लांट्स के हैं। तो इस तरह से मैं संभाल के रखती हूँ शीशों के अंदर। तो चलिए वन बाय वन करके आपको बताती जाती हूँ कौन कौन से सीड मैंने रखे हैं और किस तरह से इनकी सीडलिंग करनी है। तो इस समय का मौसम बहुत अच्छा होता है और आप विंटर के सारे प्लांट की सीडलिंग इस समय कर सकते हैं। ये तो ये परफेक्ट मंथ है विंटर सीडलिंग करने के लिए। इसमें कभी भी प्लांट ख़राब नहीं होते हैं जो आप सीडलिंग करेंगे। जब देख सकते हैं मैंने पेंटिंग भी थोड़ी सी स्टार्ट कर दी है, कुछ पॉट पेंट करके रखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विंटर सीडलिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे सीड ओपन कर लिए हैं। ये सारे कॉमन सीड हैं विंटर के, जो हमेशा मैं लगाती हूँ और आपको भी ईजिली मिल जाएंगे। ये सब देसी वेराइटी के सीड हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ और वन बाय वन करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये आपको दिखाती हूँ मगरीटा के। तो ये दो तरह के हैं, एक येलो कलर का मगरीटा है मेरे पास, इसके मैंने ढेर सारे सीड इकट्ठे किए हैं। और ये वाइट शेड का मगरीटा है, इसमें भी दो वेराइटी आती हैं, एक मल्टी पेटल्स एक सिंगल पेटल्स की। तो इसमें जो वाइट वाला है वो सिंगल पेटल्स का है और येलो भी शायद सिंगल पेटल्स का है, तो दोनों ही सिंगल पेटल्स के ही हैं। तो मल्टी पेटल्स के भी आपको मिल जाएंगे और इनके सीड बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो मैंने इतने सारे बना के रखे हैं। दूसरे नंबर पे आपको दिखाती हूँ मैं, ये है पॉपी येलो शेड की, जिसे कैलिफोर्निया पॉपी कहते हैं। और ये रेड पॉपी है, इसके देखिए इस तरह से सीड बन के आते हैं। ये सीड पॉट होता है और इसमें बहुत महीन महीन से सीड भरे होते हैं, जो जैसे अब इकट्ठे हो गए इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं खूब काले काले से अंदर इकट्ठे हो गए। तो इस तरह से आप पॉपी के भी सीड बना सकते हैं। इसमें रेड और येलो दोनों तरह की पॉपी आती है, येलो को हम कैलिफोर्निया पॉपी कहते हैं। तो ये दो तरह की पॉपी बहुत ही खूबसूरत से इसके फ्लावर लगते हैं, आप साइड में देख सकती होंगे। दोनों ही फ्लावर मैं शेयर कर रही हूँ, रेड और येलो के पॉपी के। ये है लिटिल पेंजी, तो ये भी बहुत ईजिली मिल बन जाते हैं इनके सीड। जो बड़ी वाली पेंजी आती है हाइब्रिड, उसके तो सीड नहीं बन पाते, उसके आपको मार्केट से मिल जाएंगे। पर ये जो लिटिल पेंजी, इसके सीड बहुत ही ईजिली बन जाते हैं, तो ये हमेशा मैं बना के रखती हूँ। कैलेंडुला पे आ जाते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और इनके भी सीड ईजिली बन जाते हैं। तो ये कैलेंडुला, इसमें मल्टी और सिंगल पेटल्स वाले दोनों ही वेराइटी के हैं। इसमें काफ़ी शेड आते हैं कैलेंडुला में, ऑरेंज येलो लाइट येलो शेड का भी आता है और क्रीम शेड का भी आता है। तो बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर होते हैं, आप साइड में देख सकते हैं। तो ये दोनों ही मैंने सीड इकट्ठे किए, दोनों में ही सिंगल और मल्टी पेटल्स वाले फ्लावर के सीड हैं। और ये आ जाता है कोरियोफिस, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है, इसके भी सीड मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। इसमें एक ही शेड आता है येलो शेड, आप देख सकते हैं साइड में, और भी शेड आते हैं पर मेरे पास ये येलो शेड का है, तो काफ़ी साल से मैंने यही शेड यूज़ किया हुआ है। तो बात करते हैं डॉग फ्लावर की, ये भी बहुत ही खूबसूरत से आते हैं। ये सब मल्टी शेड के हैं, इसके अंदर सारे सीड बने हुए हैं और बिल्कुल चाय पत्ती जैसी होती है, बिल्कुल वैसे ही इसके सीड देखिए कितने महीन महीन से हैं, ये देख सकते हैं आप पूरे महीन महीन से होते हैं। तो ये डॉग फ्लावर के हो गए। और इधर आ जाता है, ये है हॉली हॉक। तो ये देखिए मैंने इसमें दो तरह के हॉली हॉक इकट्ठे कर रखे, ये पिंक शेड का है और ये है डार्क कलर का हॉली हॉक, ये डार्क कलर का हॉली हॉक है। तो ये दो शेड के अलग हैं। और ये है देसी डायंथस के सीड,
तो ये भी मैंने पिछले साल लगाए थे, तो वो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत से होते हैं। और स्वीट विलियम भी आपको दिखा देती हूँ, ये है स्वीट विलियम। तो ये भी डायंथस की ही फैमिली से बिलोंग करता है, पर डायंथस के प्लांट छोटे छोटे से होते हैं, पर फ्लावर काफ़ी बड़े होते हैं। पर स्वीट विलियम के प्लांट बड़े होते हैं साइज़ में और फ्लावर छोटे होते हैं। सेम पैटर्न होता है फ्लावर खिलने का, बस जो बड़े में साइज़ में बड़े होते हैं ये। इसी तरह से मैं सारे विंटर के प्लांट्स, ये सब कॉमन प्लांट्स हैं जो आपको इजीली मिल जाते हैं, और ये सब देसी वैरायटी है, तो मैं सबके सीड इकट्ठे करती हूँ। तो आप भी इकट्ठे कर सकते हैं, हर साल आपको ये प्लांट्स ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह से मैंने ये विंटर के सारे प्लांट्स ख़रीदे हैं। चलिए इनको फिर लगा लेते हैं, क्योंकि ये मौसम इस समय बहुत अच्छा है अक्टूबर का, और इस समय सारे विंटर के सीड आप इस समय सीडलिंग कर सकते हैं इन प्लांट की। तो चलिए सीडलिंग भी कर लेते हैं। तो सीडलिंग करने के लिए जो हम सॉयल यूज़ करते हैं, तो मैं हमेशा सॉयल पुरानी मिट्टी की, मतलब पुरानी ही यूज़ करती हूँ। यानी जो गमले यूज़ किए होते हैं, प्लांट लगे होते हैं, जब वो ओवर हो जाते हैं तभी मैं उन्हीं की मिट्टी यूज़ करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपके जो बीड्स होती हैं वो नहीं निकलती हैं, दूसरा इस मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र होती है वो बहुत सफिशेंट होती है। अगर आप मिट्टी लेंगे अलग से फर्टिलाइज़र मिलाएंगे तो कभी ज़्यादा कम हो जाती, तो इसमें एक जो रेशो होता है वो सफिशिएंट रेशो होता है, और आराम से आप इसके अंदर सीडलिंग कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही पुरानी मिट्टी लेती हूँ। अगर आपके पास कोको पीट है तो आप वो भी ले सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा मुझे सैंड मिलानी है, क्योंकि तो थोड़ी सी मिट्टी हार्ड है, तो थोड़ी सी सैंड मिलाना है। उससे क्या है, थोड़ा सा लाइट मीडिया हो जाता है और इससे बहुत जल्दी सीड ग्रो होते हैं और बहुत जल्दी रूट सिस्टम डेवलप होता है, तो अच्छी सी सीडलिंग होती है। तो पहले मैंने कहा चलो मिट्टी को मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो पता चला कि कितनी इसके अंदर सैंड मिली हुई है, तो मैं थोड़ी सी इसमें सैंड मिला लेती हूँ। और ये मैंने बस वही पुराने गमलों में प्लांट लगे हुए जो वही मैंने निकाल दिए हैं और मिट्टी को ऐसे ही कर दिया है। तो इस तरह से आप पुरानी मिट्टी ले सकते, कोई भी खास सॉयल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास कोको पीट है तो कोको पीट में थोड़ी सी सेंट या सॉयल मिला के यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा सा लाइट मीडिया बन जाएगा सीडलिंग करने के लिए विंटर प्लांट्स की। तो पहले मैं इसमें सेंट मिला लेती हूँ, फाइन सेंट जो ग्रे कलर की होती है। तो ये देख सकते हैं ये फाइन सेंट है, और मैं थोड़ी सी इसमें मिलाऊँगी इस तरह से। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है सीड ग्रो करने के लिए, और जितना महीन सीड होगा उतनी ही आपको थिन, उतनी ही पतली लेयर आपको कवरिंग करनी होगी सीड को, और जितना मोटा उतनी ही हिसाब से आपको मोटी कवरिंग करनी पड़ेगी। बस एक यही होता है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो बस इसमें ऐसे ही मुझे डालने हैं सीड, ये ऐसी पूरी मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए बस बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाती है जब हम पानी डालेंगे, तो ये अच्छी सी मिट्टी पूरी इसके अंदर ये जो सैंड है पूरी मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। और बस अब ऐसे ही मैंने कर दिया जिससे कि इसमें जंगे बन जाए। तो सबसे पहले मैं डॉग फ्लावर के सीड डालूँगी, देखिए कितने महीन से सीड होते हैं, ये देखिए बिल्कुल ऐसे चाय पत्ती होती है बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। तो बस मैं ऐसे ही डालती चली जाऊंगी इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, पता भी नहीं चल रहा हुआ कि सीड लगे हैं इसके अंदर, सब डाल दिए मैंने। और बस इसी सेंट से मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके कवर कर दूंगी, कि ये बहुत ही महीन सीड होते हैं और इनको अगर आप ज़्यादा कवर कर देंगे तो ये मर जाते हैं। तो बस ऐसे ही इसको छोड़ दूंगी लगा के। और इस वाले पॉट में मैं कैलेंडुला की सीड डालूंगी, तो ये भी थोड़ी सी मिट्टी टाइट है, तो इसमें भी मैं थोड़ी सी सैंड मिलाऊंगी इस तरह से। तो ये सारे गमले मैंने पहले से तैयार कर लिए थे इसी तरह से कि आराम रहे सीड लगाने में। तो अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं किस तरह से सीडिंग केयर करती हूँ मैं, तो कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही करना होता है। ज़्यादा कवर मत कीजिए, उसे सीड मर जाते हैं, तो बस मैं ऐसे ही लगाती हूँ। अगर आप सीड रैक जो आती है उसमें भी सीड लगा सकते हैं, अगर मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ जितने भी पुराने गमले होते हैं। तो इसमें मैं कैलेंडुला लगा देती हूँ, तो ये कैलेंडुला के सीड हैं, लगाऊंगी मैं सारे ही इस तरह से। थोड़ी सी मिट्टी अलग कर लेती हूँ क्योंकि कैलेंडुला के सीड थोड़े से मोटे होते हैं, तो इस तरह से
तो सीड घर में बनाना बड़ा ही इजी रहता है प्लांट से। अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दो पॉट में सीड लगा दिए हैं और बाकी सारी सीड में इस तरह से सारे पॉट खाली पड़े हुए सब में लगा दूंगी। तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है सीडलिंग करने के लिए, बस मिट्टी आप वही यूज़ कीजिए जो पुराने गमलों की हो, रीयूज़ मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। और कहते कि बस इसके अंदर पानी डालना है, थोड़ा सा मैं पानी स्प्रे कर दूँगी। तो बस ऐसे ही सीड लगते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और सारे विंटर के प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो उसकी भी अपडेट ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।